हेलो दोस्तों, मैं गुफरान सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम टेकर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज आपके लिए पांच ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं जिनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है। आखिर इन पांच वर्ड्स को कैसे डिफाइन किया जाए और इनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों वो पाँच वर्ड्स ये हैं कि सवा, पौना, साढ़े, डेढ़, ढाई। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग लगभग हर क्षेत्रों में कर सकते हैं जो मापन से संबंधित होती है। जैसे घड़ी देखने में हमारी जो वॉच होती है उसको प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ में बोला जाता है कि सवा तीन क्या है, पौने तीन बज रहे हैं, सवा बारह बज रहे हैं, साढ़े बारह बज रहे हैं। तो इनका मतलब ऐसे कोई भी चीज़ तौल में हो, जैसे आलू, प्याज या दाल, नमक, चीनी जो भी है, इनमें भी पौने दो किलो, साढ़े दो किलो, साढ़े तीन किलो, तो इन सब वर्ड्स का जो प्रयोग करते हैं, या सवा दो सौ रुपये, सवा तीन सौ रुपये या पौने तीन सौ रुपये, इन सब वर्ड्स में इन सवा का, पौने का और डेढ़ ढाई का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि सब्जी वाला पूछता है कि सर सब्जी के बारे में सवा, पाव, दो सौ, ये पौने का प्रयोग कैसे किया जाता है। ऐसे दाल, नमक, चीनी वाला पूछता है, ऐसे घड़ी वाला। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके क्षेत्र हैं सब में तो नहीं बताया सकता, इसलिए इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए और हर चीज़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इनका समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले दो चीज़ें आपको समझना है। एक तो आपको आधा समझना है, आधा किसे कहते हैं, और दूसरा एक चौथाई। तो दोस्तों एक चौथाई का मतलब होता है एक बटे चार, और आधा का मतलब होता है एक बटे दो, यानी कि आधा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चालीस का आधा क्या होगा, चालीस का आधा, तो आप आसानी से बता देंगे बीस होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चालीस का चौथाई कितना होगा, यानी कि चार से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, दस होगा। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि पचास का आधा क्या होगा, तो आप आसानी से बता देंगे पच्चीस। और आपसे पूछा जाए कि पचास का एक चौथाई कितना होगा, तो चार से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5, जिसको हम साढ़े बारह भी कहते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि आधा किसे कहते हैं, एक चौथाई। जब भी किसी संख्या में अगर पूछा जाए कि आधा, तो उसका आधा करके आप उसको दो से भाग कर देंगे। अगर चौथाई पूछा जाए तो एक चार से भाग कर देंगे। अब आइए हम समझते हैं कि सवा और पौने का क्या मतलब है। तो दोस्तों जो सवा वर्ड्स है, सवा का मतलब होता है यहाँ पर प्लस, और पौने का मतलब माइनस, और साढ़े का मतलब यहाँ पर प्लस। अब देखिएगा प्लस माइनस प्लस का क्या मतलब। सिर्फ प्लस का यहाँ पर ये मतलब है कि जोड़ना, और माइनस का मतलब घटाना। तो लेकिन क्या जोड़ना क्या घटाना? तो सवा जो वर्ड होगा दोस्तों, जिस भी संख्या के आगे लगेगा, जैसे अगर पूछा जाए सवा दो बज रहे हैं या सवा दो किलो, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा। तो जैसे आपसे पूछा जाए सवा दो किलो, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है? तो सबसे पहले सवा का मतलब जो होता है, जैसे आपने समझ लिया, एक बटे चार, यानी कि एक चौथाई जोड़ना है। जब भी आपको सवा कह दिया जाए तो जो आपको पूछा जा रहा है उसमें एक बटे चार जोड़ना है। अगर पौना कह दिया जाए तो एक बटे चार उसमें घटाना है। अगर साढ़े कह दिया जाए तो एक बटे दो, यानी कि आधा उसमें जोड़ना है। अब जैसे आपके सामने लिखा है कि सवा दो किलो, तो आप ये समझिएगा दो किलो तो ऐसे हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर लगा है सवा, तो सवा का मतलब हमने बताया एक बटे चार, यानी कि एक चौथाई, एक चौथाई सवा दो किलो में जोड़ना है। तो अब यहाँ पर देखिए समझना है कि किलो का आपको एक यूनिट यहाँ पर लेनी है, एक किलो, यानी कि एक किलो, एक किलो का एक बटे चार कितना होगा। तो चूंकि एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, इसको और छोटे इकाई में तोड़ लीजिए, तो यहाँ पर एक किलो में 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम का एक चौथाई कितना होगा, 1000 को चार से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 250, यानी कि दो किलो 250 ग्राम आपका कितना बन जाएगा, 2 kg और 250 ग्राम। ऐसे अगर आपसे कह दिया जाए कि सवा दो बज रहे हैं, कितने, सवा दो बज रहे हैं, तो आप जानते हैं सवा दो बज रहे हैं का मतलब क्या होगा। दो का मतलब यानी कि दो तो बज ही रहा है, अब सवा को निकालना है। अब सवा का मतलब बताया कि एक चौथाई, एक चौथाई किसमें, एक चौथाई इसमें जोड़ना है। तो आप जानते हैं कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो एक घंटे पे एक 12 बार होती हैं, 12 आपकी उसमें खाने होते हैं,
तो दोस्तों 12 जो होते हैं तो एक दो खानों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब 60 मिनट का हम चौथाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 मिनट, यानी कि 2:15 का मतलब हुआ 2:15। अब अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि 225 रुपये, तो 225 रुपये अगर आपसे पूछ लिया जाए, 225 रुपये, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 225 का मतलब 200 तो है ही, अब 225 का मतलब होता है कि 225, तो 100 जो इसकी सबसे छोटी इकाई होगी, तो 100 को चौथाई कीजिए, तो 100 का चौथाई क्या होगा, 25 होगा, तो 100 का चौथाई 25 होगा, यानी कि 225 आपके रुपए हो गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है, ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 225,000, कितना पूछ लिया जाए, 225,000 रुपये, 225,000 रुपये, इसको आप क्या समझेंगे, तो 225,000 यहाँ पर रुपए हैं, इसको 2,000 तो आपका होगा ही, 2,000 तो आपका होगा ही, लेकिन 225 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर 2,000 है ना, तो यहाँ पर 2,000 में सबसे छोटी इकाई कितनी होगी, 1,000, यानी कि 1,000 का चौथाई, तो 1,000 का चौथाई कितना होगा, 1,000 चौथाई का होगा 250 रुपये, यानी कि 2,000 में 250 जोड़ना है, तो 2,000 में 250 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2,250। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 225 का मतलब क्या होता है। अब आपने एक समझ लिया, ऐसे सब में जोड़ना या घटाना ही है, क्योंकि 225 का मतलब यही होता है। अब देखिए पौने का मतलब क्या होता है, पौने का मतलब भी होता है हाफ, यानी कि हाफ नहीं, 1/4, 1/4 इसमें लेकिन घटाना है। अब जैसे आपसे पूछ बता दिया जाए कि 3:15 बज रहे हैं, कितने, 3:15, तो 3:15 का मतलब क्या हुआ, 3:15 का मतलब हुआ कि जो आपका यहाँ पर 1/4 है इसमें घटाना है, किसमें, 3 बजे में। तो आपसे जैसे हमने बताया कि 1 घंटा होता है, जो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है, 3:15 का मतलब, अब देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 15 मिनट, तो यहाँ पर 15 मिनट 3 बजने में घटाएंगे, तो जब 3 बजने में 15 मिनट घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2:45 हो जाएगा। अब अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि 450 रुपये, कितने, 450 रुपये, तो 450 रुपये का मतलब हम क्या समझेंगे, 450 का मतलब आपको घटाना है, कितने में घटाना है, कि यहाँ पर देखिए रुपए कितने, 400, तो 100 का मतलब 100 में आपको घटाना है 1/4, तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25 होगा, तो 400 में जब हम 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 375 रुपये। तो दोस्तों ऐसे हम 225 का प्रयोग आसानी से हर चीज़ों में कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि हमारा 250 का मतलब क्या होता है, 250 का मतलब ऐसे ही प्रयोग करना हमें, 250 का मतलब आधा प्लस। अब अगर आपसे बता दिया जाए कि 550 रुपये, 550 रुपये का मतलब क्या होगा, कि आपको उसमें 500 में 100 का आधा जोड़ देना है, 100 का आधा कितना होगा, 50, और 550 हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 का मतलब क्या समझेंगे, 3 + आधा, आधा कितने का, 1 घंटे का आधा, 1 घंटे का आधा कितना होगा, 35 मिनट, तो 3:30। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5:30 बज रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए तो इसका मतलब आप समझेंगे कि 5:30 हो रहे हैं। अगर ऐसे आपसे कहा जाए कि 4.5 लाख, 4.5 लाख, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 4.5 लाख का अर्थ समझना चाहें तो क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर 4.5 लाख, तो लाख की सबसे छोटी इकाई क्या है, 1 लाख, 1 लाख का आधा कितना होगा, 50,000, तो 4.5 लाख का मतलब होगा 4,50,000। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि 225 और 250 शब्द आप आसानी से समझ गए होंगे, ऐसे इनका प्रयोग हर चीज में लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2.5 किलो, तो 2.5 किलो का मतलब क्या होगा, किलो का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1,000 ग्राम, 1 किलो में 1,000 ग्राम को आधा करेंगे तो 500 ग्राम आएगा, तो 4.5 किलो अगर कहा जाए तो 4 किलो 500 ग्राम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब आपका होता है 1 + आधा,
और ढाई का मतलब होता है दो प्लस आधा, यानी कि जब भी आपसे डेढ़ कहा जाए तो चाहे जिस चीज में से आपसे कहा जाए डेढ़ किलो, तो आप डेढ़ किलो का अर्थ समझेंगे कि एक किलो प्लस आधा किलो, तो एक किलो प्लस आधा किलो। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि डेढ़ लाख, तो एक लाख प्लस आधा लाख मतलब 50,000। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि डेढ़ बज रहे हैं, मतलब एक तो बज रहे हैं प्लस आधा और बज रहे हैं, आधा का मतलब क्या हुआ 30 मिनट, यानी कि 1:30। अगर ढाई पूछा जाए तो 2 + आधा यानी कि 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का मतलब 2 लाख प्लस आधा लाख, 1 लाख का आधा लाख 50,000, तो 2,50,000। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि 2.5 किलो, तो 2.5 किलो का मतलब क्या हो जाएगा 2 किलो प्लस आधा किलो मतलब 500 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको साढ़े पौना साढ़े और यहाँ पर जो है ढाई और डेढ़ का आप आसानी से इन वर्ड्स का अर्थ समझ गए होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।